एक चीज़ आपने ना पूरा रमज़ान इस्तेमाल नहीं करनी, वो गुस्सा है। सारे रोज़े ना, यानी बिल्कुल ऐन इफ्तारी के वक़्त भी कोई बंदा गलत बात बर्दाश्त, कौन सी बात करनी होती है सही के गलत? सही को तो बर्दाश्त करने की ज़रूरत ही नहीं होती, बर्दाश्त करनी गलत बात होती है। उसको सहना है, उसे कहना यार रोज़े हैं, रब की रहमत बरस रही है, जा मैंने तुझे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ किया। और ज़ेहन में हदीस रखनी है कि हुज़ूर ने फरमाया तो रब के बंदों को माफ़ कर, अल्लाह तुझे माफ़ फरमाएगा। रमज़ान शरीफ में और सआदत के साथ और प्यार के साथ, और गीबत नहीं करनी किसी की भी, किसी इदारे की नहीं, किसी बंदे की नहीं, गीबत नहीं करनी। आपको हदीस में मिलेगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुछ बीबियों से कहा था कि तुमने तो रोज़ा तोड़ दिया है, और तुमने हलाल के साथ रखा था हराम के साथ तोड़ दिया, या रसूलल्लाह किस तरह? फरमाया गीबत नहीं की तुमने, मुर्दा भाई का गोश्त नहीं खाया। ये बहुत बड़ा जुर्म है, इससे बचना है, मोबाइल कम इस्तेमाल करना है, और मेहरबानी करें कम खबरें देखें। जो खबरें औरतें पढ़ती हैं उन खबरों से भी परहेज़ करें। कोई हमने बड़ा साल 11 महीने सियासी तबसरे कर लिए, क्या इनकलाब आया फिर मुल्क में? तो रमज़ान का महीना सियासी तबसरे रहने दें, ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारें, ज़्यादा वक्त अल्लाह के घर में गुजारें, ज़्यादा टाइम आप तिलावत कुरान पाक में, इस्तिगफार में, दुरूद शरीफ में गुजारें, एक दूसरे के साथ प्यार करें, एक दूसरे के काम आए।